हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल और टेकीजी पर सभी का स्वागत है। भैया जी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नवंबर 2020 में बना दरभंगा एयरपोर्ट साल 2025 तक नए लुक में दिखेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 76.40 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मार्च में हस्तांतरित करवा दी है। उपलब्ध जमीन में से 23.75 एकड़ पर एयरपोर्ट का रनवे और शेष 52.65 एकड़ पर भूमि पर टर्मिनल बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसके बाद किसी कंसल्टेंट को हायर कर बिल्डिंग का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 6 माह में नए टर्मिनल पर काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट का नया लुक 2025 तक सामने आ जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान टर्मिनल 1400 स्क्वायर मीटर में है, नया टर्मिनल इससे करीब 10 गुना बड़ा होगा। अभी दरभंगा एयरपोर्ट से सालाना 6 से 7 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, नया टर्मिनल बन जाने पर सालाना 50 लाख से अधिक यात्री सफर कर पाएंगे। फिलहाल यहां एक साथ 2 एयरक्राफ्ट के लैंड करने या उड़ान भरने की क्षमता है। नया रनवे बन जाने के बाद एक साथ 6 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकेंगे। यात्री सीधे एयर ब्रिज के माध्यम से एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएंगे, तब यात्रियों को बस से रनवे पर नहीं ले जाया जाएगा। डायरेक्टर झा ने बताया कि 1700 स्क्वायर मीटर के एक टर्मिनल का निर्माण शुरू कर दिया गया है, साल भर में यह पूरा हो जाएगा। 23.75 एकड़ भूमि पर CAT2 लाइटिंग प्रणाली लगाई जाएगी और 52.65 एकड़ भूमि पर अस्थायी टर्मिनल बिल्डिंग, 6 वे एप्रन, आवासीय क्वार्टर, कार पार्किंग, सड़क आदि कार्य कराए जाएंगे। 2024 तक यहां एयर लाइटिंग हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कुहासे व खराब मौसम में भी एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। वर्तमान टर्मिनल के पास कार्गो ढांचा का निर्माण होगा। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 36 टन एवं 2022-23 में 220 टन लीची का निर्यात दरभंगा एयरपोर्ट से किया गया है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से 12 विमानों का परिचालन हो रहा है। दिल्ली के लिए 2 और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद व बेंगलुरु के लिए 1-1 विमान है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में दरभंगा हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुरूप सिविल एनक्लेव को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 916.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्तमान में विमानपत्तन प्राधिकरण ने वायुसेना से लीज पर प्राप्त 2.3 एकड़ भूमि पर सिविल एनक्लेव का निर्माण किया है। वहीं 2.42 एकड़ भूमि पर 36 करोड़ से नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी जारी है। भैया जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेकीजी। जय हिंद, जय भारत।